हेलो फ्रेंड्स, टेक आउट योर इंग्लिश बुक. व्हाट कैन यू सी हियर? यू कैन सी हियर इन दिस बॉल आई हैव पुट समथिंग. व्हाट इज इट एंड व्हाट इज इट? दीज आर सीड्स. इफ वी वांट टू ग्रो प्लांट फ्रॉम इट, वी हैव टू सो दिस सीड्स इन द सॉइल. See, these are also seeds. ये seeds है. And if we want to grow plant, और अगर हमें plant को grow करना है, then we have to sow the seeds in the soils. इस seeds को हमें soil में बोना पड़ता है, तब जाके अगर हम उसे पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो एक अच्छा plant grow करेगा. Okay? We will read our next chapter. Chapter 2. The name of the chapter 2 is The Seed. It is the chapter about the seed. ये जो chapter है, ये seed के बारे में है. Let's see. Long, long ago in China, there lived a wise emperor whose once dark braid had turned the color of new fallen snow. बहुत बहुत पहले की, बहुत बहुत सालों पहले की बात है. चाइना में एक वाइज एम्परर रहता था. एम्परर, एम्परर मीन्स किंग, वन हु रूल्स, है ना, जो राज्य करता है उसे किंग कहते हैं या एम्परर कहते हैं. और वो बहुत वाइज था, वाइज था, बुद्धिमान था. हुज वंस डार्क ब्रेड हैड टर्न्ड द कलर ऑफ न्यू फॉलन स्नो. अब उसके बाल बिल्कुल न्यू फॉलन स्नो की तरह दिख रहे थे, मीन्स व्हाइट कलर के हो गए थे. दैट मीन्स हमें क्या पता चलता है कि ही बिकेम ओल्ड, वो बूढ़ा हो चुका था. ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया था. एंड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू चूज अ सक्सेसर. अब ये टाइम आ गया था कि अब उसके बाद वो उसके सक्सेसर किंग को चुने, उसके बाद होने वाले राजा का चयन करे. ठीक है, नाउ इट वॉज द टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्परर, द नेक्स्ट किंग. although he had many sons and grandsons to choose from, the emperor felt that power and wealth had made his heirs lazy. भले ही राजा के बहुत सारे grandsons और sons थे, sons और grandsons थे, उसके बेटे भी थे, उसके grandsons भी थे, जिसमें से वो राजा का चयन आसानी से कर सकता था. लेकिन राजा ने देखा कि पावर होने के कारण और बहुत ज्यादा संपत्ति होने के कारण उनके जो वारिसदार थे, राजा के जो बेटे और उनके ग्रैंडसन्स जो थे, वो बहुत लेजी हो गए थे. द ग्रैंडसन्स एंड सन्स ऑफ द किंग ऑफ द एम्परर बिकेम लेजी बिकॉज ऑफ पावर एंड वेल्थ. एंड दैट्स व्हाई द एम्परर हैज डिसाइडेड टू चूज अनदर एम्परर for his kingdom. He wanted to appoint someone outside the family. He decided to choose another person outside his family to make the king of his kingdom. उसने सोचा कि मैं अब मेरे राज्यपद पर किसी बाहर के व्यक्ति का चयन करूंगा जो कि बिल्कुल इलिजिबल हो. Loud drums called gathering called a gathering of young men to the temple at the top of the mountain. I think you know that whenever a king wanted to meet his people or his subject, उसकी प्रजा से अगर जब भी कोई राजा मिलना चाहता था, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा ड्रम लेकर एक मनुष्य जाता था और वो जोर जोर से वो ढोल को पीटता था. डोंडी कहते हैं उसे. और उसके बाद सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे. वैसे ही हुआ, लाउड ड्रम्स बजाए गए और मेन इकट्ठा हो गए एक टेम्पल में जो कि माउंटेन पे था, टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के टॉप पे था. वहां पे सब कलेक्ट हो गए. व्हेन दे अराइव्ड द एम्परर सीटेड ऑन अ मैग्निफिशेंट थ्रोन अनाउंस्ड इट इज टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्परर. जब वे लोग वहां पहुंचे, सारे लोग डोंडी सुनने के बाद, तब उन्होंने देखा कि राजा वहां अपने सिंहासन पे, जो कि एक बहुत ही मैग्निफिशेंट थ्रोन था, वहां पे बैठा हुआ था.
इट इज टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्परर. राजा ने वहां अनाउंस किया, राजा ने कहा कि अब ये समय आ गया है कि अब हम हमारा अगला राजा चुने. द शॉक्ड टाउन्समैन विस्पर्ड अमंग देमसेल्व्स, नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड बिफोर. जो उसके टाउन्समैन थे, उसकी जो प्रजा थी, उसके जो राज्य के जो लोग थे, उन्होंने उन्हें आश्चर्य हुआ और आपस में उन्होंने बात की कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ इसके पहले, क्योंकि राजा के ही जो रिलेटिव्स होते हैं या उसका सन या उसका ग्रैंडसन, इनमें से ही कोई एक राजा बनता है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, इसलिए वो शॉक हुए. द एम्परर कंटिन्यूड, टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीड. फिर राजा ने अपनी बात आगे रखना शुरू की. टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीड, आज आप में से हर कोई एक एक सीड उठाएगा. इन वन ईयर यू विल ब्रिंग योर प्लांट टू द टेम्पल, एक साल के बाद आप सभी लोग अपना अपना पेड़ लेकर इसी टेम्पल में आओगे. द एम्परर अनाउंस्ड दैट डे ऑल द पीपल हैव टू टेक अ सीड एंड दे हैव टू ग्रो अ प्लांट एंड दे हैव टू कम टू द टेम्पल अगेन आफ्टर वन ईयर विद देयर प्लांट. द गोल्डन बोल फिल्ड विद सीड्स वॉज सेट बिफोर द क्राउड. जो वहां भीड़ लगी हुई थी उसके हर एक के सामने एक गोल्डन बॉल में, जो गोल्डन कलर का था बाउल, उसमें सीड्स रखी हुई थी. जैसे मैंने अभी आपको सीड्स दिखाई ना बॉल में कैसी रखी थी, मैंने सिल्वर बॉल में रखी थी लेकिन राजा ने गोल्डन बॉल में रखी थी. ठीक. एंड सीड्स वॉज सेट बिफोर द क्राउड, हर एक के सामने वो बाउल लेके गया, रखा गया. ईच पर्सन टुक जस्ट वन सीड, हर पर्सन ने एक एक ही सीड उसमें से ली. अ यंग मैन नेम चन वॉज लास्ट इन द लाइन. वहां पे एक यंग मैन जिसका नाम चन था, वो भी लास्ट लाइन में, लास्ट में खड़ा था. चन वॉज स्टैंडिंग एट द लास्ट ऑफ द लाइन. ही चोज हिज सीड केयरफुली, उसने बड़े ध्यान से अपनी सीड चुनी. टर्न द पेज. होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फिस्ट ही रैन होम टू टेल हिज मदर. उसने उस सीड को अपनी मुट्ठी में, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, हम ऐसे मुट्ठी बनाते हैं ना, इसे फिस्ट कहते हैं. ओके. होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फिस्ट ही रैन होम टू टेल हिज मदर, अपने मम्मी को ये सब बात बताने के लिए वो जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ा. शी लिसेंड टू द स्टोरी एंड गेव हिम अ ब्यूटिफुल ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन बोल. शी लिसेंड टू द स्टोरी, उसने उसकी कहानी सुनी. एंड गेव हिम अ ब्यूटिफुल ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन बाउल, उसने अपने बेटे को, किसे, बेटे का नाम क्या था, चन, उसे क्या दिया, ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन बोल, एक चीनी मिट्टी का बोल दिया जो कि ब्लू और व्हाइट था. चन प्लेस्ड पिबल्स एंड देन सॉइल इन द बाउल, उस बॉल में चन ने क्या क्या रखा, पिबल्स रखे और मिट्टी डाली. एंड टेंडरली प्लांटेड हिज सीड, और उसने व्यवस्थित वो सीड उसमें डाली. ईच डे चन केयरफुली वॉटर्ड द सीड, हर दिन चन बड़े ध्यान से उस सीड में जहां उसने बोई थी वहां पानी देता था. कहां पर, उसने एक ब्लू व्हाइट पोर्सलिन बॉल में उस अपनी सीड को डाला था, मिट्टी और पेबल्स डाल के उसमें वो ध्यान से रोज पानी देता था. ही वॉच्ड एंड वेटेड, उसने ध्यान रखा और वेट करता रहा कि अब ये पेड़ ग्रो करेगा, बाहर आएगा. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. अदर्स टॉक्ड अबाउट देयर प्लांट्स दैट वर पुशिंग अप थ्रू द सॉइल, बाकी लोग आपस में बात करते कि हमारा प्लांट इतना बड़ा हुआ, हमारा प्लांट बाहर आ गया, अब इतना बड़ा हो गया. बट ही कांट,
लेकिन वो नहीं कर पाता था बिकॉज हिज प्लांट डिडंट ग्रो, उसका प्लांट तो बढ़ा ही नहीं था. बट अदर पीपल वर सेइंग दैट नाउ देयर प्लांट इज ग्रोन अप. वीक्स पास्ड एंड स्टिल चंस सीड डिड नॉट स्प्राउट. सप्ताह हो गए बहुत सारे, फिर भी चन की जो सीड थी उसमें स्प्राउट नहीं आए. स्प्राउट पता है ना आपको, जब छोटे छोटे कोम निकलते हैं ना, हम मूंग मोट ये सब डालते हैं खाने के लिए, उसे फुलाते हैं, फिर उसमें स्प्राउट्स आते हैं. लाइक वाइज चन सीड डिड नॉट स्प्राउट, उसमें स्प्राउट नहीं आए. वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.